अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए लेकर आया एक न्यू वीडियो, जिसके अंदर में ये जो ग्लैंडर है, इसकी मदद से हम लकड़ी, पेन और एक फ़ोन है हमारे पास, उसको हम काटेंगे। पर हम इस ब्लेड का प्रयोग ना करके एक हमारे पास A4 साइज का पेपर है, उससे हम उन सारी आइटम्स को काटने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले हमें ये A4 साइज का पेपर लेना पड़ेगा, वाइट एकदम। तो चलो सबसे पहले हमें इसको बीच में से मुड़ना होगा, ठीक है, एक बार, फिर ये दो बार, ठीक, फिर हमें गुल लेना होगा। गाइस थोड़ा इग्नोर करना, गरीबी आ गई है। गुल लगा देना पड़ेगा आपको ऐसे, चारों तरफ लगाना है ताकि कहीं से पेपर खुल ना जाए। इसको मोड़ लेते हैं, यहाँ पर भी गुण लगा देंगे। इसको चलो, फिर ये आरी का पत्ता लेंगे, फिर ये पेन से को ड्रॉ करेंगे, ठीक है दोस्तों। बीच में से भी कर लेते हैं, अब इसे हम काटेंगे। अब इसको बीच में काटने के लिए हम इसको मोड़ देंगे, फिर ये हल्के हल्के ग्रेप बनाएंगे, ताकि कट करेंगे ताकि बीच में से एकदम स्मूथली कर ले हमारे पास। तो गाइस ऐसे तीन पेपर बना चुके हैं हम। तो अब हम इसे इस ग्लैंडर में फिट करेंगे। तो हम खोल देंगे और ये ब्लेड लगा देंगे। इसको हम पूरी तैयारी के साथ पैक कर देंगे। तो ये हो गया, चलो इसको साइड में कर लेते हैं। हमारे पास ये लकड़ी के वुडन प्लाईवुड है, एक पेन है और एक हमारे पास ये एक फोन है, ठीक है। इन सबको हम इससे काटेंगे। पहले हम सबको साइड में कर लेते हैं। पहले हम ये पतली लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, तो गाइस आप देख सकते हो, देखो ये इस पेपर ने लकड़ी को आधा काट दिया। अरे चलो देखते हैं और काट सकती है, काट सकती है। देखो इसने काट दिया लकड़ी को, वो भी इस पेपर ने गाइस, यकीन नहीं हो रहा। और देखो गाइस ये देखो कितना आराम से इसने काटा है, ओ कितनी फिनिशिंग से काटा है यार, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि एक पेपर इस लकड़ी को काट सकता है। आपने कभी सोचा था कि एक लकड़ी को काट सकता है? गाइस एक पेपर ने लकड़ी को, अब हम ये तो पतली लकड़ी थी, करते इसको अब हम इससे थोड़ी मोटी, ये देख सकते हो इतनी मोटी लकड़ी को हम इससे
इसे फिर से काटेंगे। चलो शुरू करते हैं। मैंने इसको काटने की कोशिश करी पर ये पूरी तरह से फट चुका है। गाइस आप इसे घर में ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि देखिए ये अगर इसकी जगह कोई दूसरा ब्लेड ओवर होता तो डायरेक्ट उड़ के मेरे आँख में भी जा सकता था या फिर मेरे बॉडी में कहीं पर भी लग सकता था जिससे मैं इंजर्ड हो सकता था। पर ये अभी तो फिलहाल ये क्या कहते हैं पेपर है, इसलिए इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी फिर हम दूसरा लगाते हैं जो हमने 3-4 तैयार कर रखे हैं, अब उसको लगाते हैं। तो गाइस मैं ऐसा सोच रहा था कि ये लकड़ी को तो काट देगा क्योंकि इसने पहले भी एक लकड़ी को काट चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि पेन को काट सकता है, प्लास्टिक को काट सकता है, नहीं काट सकता। तो गाइस चलो प्लास्टिक को काट। ये रहा हमारे पास एक पेन, ये प्लास्टिक का है, देख सकते हो आप प्लास्टिक का पेन है। इसके अंदर शाही फूल है, चल रहा है, चालू कंडीशन में। मुझे लगता तो नहीं है गाइस ये प्लास्टिक को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, पर चलो तो ट्राई करते हैं। देख सकते हो इसने इस फोन को इतना सा कि काट पाया और ये खत्म हो गया। तो गाइस मुझे ये लगता है कि इस फोन को ये अगर मैं इसे 10 ऐसे पत्ते बना दूं तब जाकर ये मुझे तो लगता है नहीं कि मैं आपको 10 पेपर काट के दिखा सकूं, क्योंकि इससे बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहूँगा कि वीडियो लंबी हो। तो गाइस अगर आप इसको पार्ट 2 में देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इसी से ही हमें मुझे मोटिवेट होता हूँ मैं, और आपके लिए नई वीडियो लाता रहूँगा इसी टाइप की। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।